कंपनी भुखे मर गए जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जो एक डेढ़ माह से हुआ है तो उनके असरात। अभी आपको पीछे आपको मेरे नज़र आते होंगे सब्जी दुकान में बातें, कुछ कुछ लोग नज़र आते होंगे जाते हुए तो सब्जी वगैरह रमज़ान शरीफ की वजह से घरों में इनके इफ्तारी के लिए कुछ न कुछ सामान लेने जा रहे हैं लोग, कहाँ लोग मजबूर हो गए हैं बेरोज़गारी की वजह से। जी मेरे साथ एक मेरे भाई मौजूद हैं, और जो लॉकडाउन हुआ है डेढ़ माह से, तो कारोबार किस तरह चल रहा है इनका? कारोबार की वजह से बहुत काम, कोरोना की वजह से बहुत काम डिस्टर्ब हुआ है, तो जिसकी वजह से लोगों का काम आना जाना तो काफ़ी मुश्किल हैं। रमज़ान शरीफ तो आ गया, तो किस तरह निज़ाम चल रहा है आप बता सकते हैं थोड़ा सा? निज़ाम बस हल्का फुल्का ही, दुकानें क्योंकि दुकानें तो बंद है सारी, गाग वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं है बाज़ारों में, गाग बिल्कुल भी नहीं है, बस दुकानें बंद है। तो जी दोस्तों मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखें सारा बाज़ार बंद हुआ है, तो सिर्फ कुत्ते ही नज़र आ रहे होंगे आपको, नज़र आते होंगे। तो बहुत कम है लोग जो रमज़ान शरीफ सामान वगैरह लेने आ रहे हैं, कुछ दुकानें खुली हैं। ये देखें कदा गाड़ी वाला जा रहा है, तो मेरे साथ है मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप उनको जानते होंगे, नासर पैराडाइज फरुखाबाद, और यूट्यूब चैनल भी है उनका, तो माशाल्लाह महफल की दुनिया में बड़ा इनका नाम है जी, वीडियो बनाते हैं। नासर भाई प्लीज़ ज़रा काइंडली दो मिनट प्लीज़ हमें दें। तो लॉकडाउन हुआ है तकरीबन महीना डेढ़ महीना हो गया, तो प्लीज़ इनके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि लोगों के पास तो भी बिल्कुल पैसे भी नहीं है खाने के लिए, तो वो किस तरह गुजारा करते होंगे, तो आपका यानी कि क्या कहना है इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सब बढ़िया है, ऐसा ही पूछ रहे हैं जी कोरोना के हवाले से। तो मसला ये है कि कोरोना अल्लाह पाक की तरफ से एक हमारे अमाल के नतीजे में अजाब है, अल्लाह पाक इस अजाब को टाले। और कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, कारोबार बंद है, मार्केटें बंद हैं, तो सारी आवाम परेशान है। ऊपर से माशाल्लाह रमज़ान शरीफ भी है, रमज़ान शरीफ में माशाल्लाह जी अखराजात आम दिनों से बढ़ जाते हैं, तो अल्लाह पाक सब के पूरे करे। बाजी सारे लोग डिस्टर्ब हैं जी, खसूसन जैसे जो मेरे परवेज भाई साहब हैं, इनका काम मूवी का स्टिल का है, तो ये तकरीबन महीने सवा महीने से शादियों पे बैन है, तो ये ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ये नहीं सभी मूवियों वाले, अल्लाह पाक सब पे अपना कर्म करे और हमारे हाल पर रहम करे। बाकी जी सब ठीक, बस दुआ करेंगे। ये दोस्तों देख सकते हैं सारे वीरानी हैं जी, मस्जिद भी और स्टेशन भी सारे वीरानी हैं। ये भाई बैठे हैं, ये भी कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं, भूखे मर रहे हैं सर। लो ये वो कह रहे जी भूखे मर रहे हैं, सब्जी जो के पैसे नहीं सवेदे हाथों दे हाथ रख बैठे हुए हैं। तो किस तरह गुजारा साजी होता फिर? बस गुजारा सर, तेरे गुआंढ़ियों वाले पक्का ले लाके दे, ओदे को ले लाके दे, ओदे को ले ला, सही हो रहा है जी। दोस्तों ये देख सकते हैं कि स्टेशन भी वीरानियों का मंजर पेश कर रहे हैं, ये फरुखाबाद का स्टेशन है, ये देखें सारा बिल्कुल कोई शाय भी नहीं है इधर जनाब।
दूर दूर तक बंदा भी नहीं है। ये सारा लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल हर चीज़ बंद हो चुकी है। मैं आपको बता सकता हूँ इधर फसल भी है, टमाटर लगे हुए हैं, तो अंदाजा करें कि तोड़ने वाले लोग भी नहीं हैं जो कि इसकी काश्त करते हैं, वो भी नहीं।